कर रहे हैं वो सही है। मैं आपको हकीकत में बताना चाहता हूँ कि मैं एक फौजी सैनिक जिसने 22 साल फौज में निकाले, लेकिन मैं आपको आज हकीकत बताऊं कि जो फौज की पढ़ाई है उसको मैं अभी तक भी पूरा नहीं कर सका, जबकि मैं 2 बार अपने ट्रेनिंग सेंटर में जाकर के रिक्रूटरों को ट्रेनिंग दी और 3 साल में मंडी में जाकर के अफसरों को ट्रेनिंग दी जो कि पूरी सेना को चलाते हैं। लेकिन आज जो के जो अभी तक स्कीम चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब हो, ये हमारे बोलने से नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैं आपको दावे से बोलता हूँ, मैं एक सैनिक होकर के आपको बता रहा हूँ कि फौज ये जो फौज है जो सिविल नहीं है, सेना का आखिरी मुद्दा दुश्मन के अगेंस्ट जीत हासिल करना है। सेना चाहे ऑपरेशन ऑफेंसिव में हो या डिफेंसिव में हो या सीआई में हो, मेन मुद्दा है दुश्मन को बर्बाद करना। जब हम सेना को ही कमजोर कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि देश को जो है बर्बादी की तरफ लिया जा रहा है, देश को कमजोर किया जा रहा है। एक ही चीज है जो बची हुई सेना, जिसके बीच आज तक यानी कि ईमानदारी और वफादारी और दुश्मन चलता है। बाकी मेरी मुझे नहीं लगता कि कोई भी मैच में जिसमें दुश्मन चलता है, लेकिन इसको भी जो हमारी राजनीति है वो बर्बाद करने जा रही है। मुझे आप सबसे अपील है कि इस अग्निपथ को हम जबरदस्त संघर्ष करेंगे और ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन जब मैं मुझे जरूरी विश्वास है कि 4 साल में जो आर्मी सिस्टम है, 9 साल में ट्रेनिंग होती है फौजी की और 9 साल में सिर्फ उसको डिसिप्लिन और वेपन के बारे में और टोटली उसको फिजिकल फिट किया जाता है, उसके बाद दूसरे के कैसे हमें एडवांस करना है, कैसे डिफेंस लेना है, कैसे अटैक करना है, उसके बारे में जाकर के आदमी आपने अपनी जिंदगी जाकर एक्सरसाइज जब चलती है तब जाकर के सकता है। और मुझे नहीं लगता 10 साल तक जो सिपाही है वो तुम्हें सक्सेसफुल ट्रेनिंग नहीं ले सकता। और ये कुर्सियों में बैठे हुए आज हमारे मोदी साहब तुम्हें पास कर रहे थे 4 साल और जाकर के 4 साल जाकर के जिंदगी बसर करना फौज में, मुझे नहीं लगता जिसको 4 साल की नौकरी जाएगा और टोटली 24 घंटे में उस बच्चे को 22 घंटे सोने देंगे तो बाथरूम में भी जाकर के सो जाते हैं। और ऐसी कठिनाई कोई नहीं झेलेगा कि मैंने 4 साल के लिए नौकरी कर ली है